एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रेट स्टाइल दही वड़े। आप इस रेसिपी को पूरा देखें, बहुत ही आसान है। अगर आपके वड़े सॉफ्ट नहीं बनते हैं तो आप ये पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आपके वड़े 100% सॉफ्ट बनेंगे इस ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। हमने यहाँ पे 1 कप उड़द दाल ली है। उड़द दाल हमने टूटी हुई ली है, जो हाफ टूटी हुई होती है वो उड़द दाल हमने ली है। आप चाहें तो साबुत भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे पहले। हमने यहाँ पे वॉश कर ली है और 5 से 6 घंटे इसे अब फूलने के लिए रख देंगे। 5-6 घंटे हो गई है, अब इसे चेक कर लें। 5 से 6 घंटे में ना उड़द दाल अच्छे से फूल जाती है। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसे फूलने के लिए। तो यहाँ पे हम तोड़ के दिखाएंगे, आराम से ये टूट रही है। तो अब ये अच्छे से फूल गई है, तो अब इसे चलते हैं पीसने के लिए। तो हमने एक जार में सारे उड़द दाल को डाल दिए हैं। 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर सोडा डालेंगे, 1 टीस्पून हम सॉल्ट डालेंगे यहाँ पर, और पानी 1/2 ग्लास लेंगे। पीसने के वक्त पानी की ज़रूरत और होगी तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं पानी की क्वांटिटी। तो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है इस तरह। तो इसी कंसिस्टेंसी की आपको पेस्ट बनानी है। हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं आप सेम तरीके से बनाएंगे तो 100% आपके सॉफ्ट बनेंगे वड़े। आप बिल्कुल बना के ट्राई करके देखना और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो सारे वड़े को हम इस बाउल में निकाल लेंगे। देखिए कंसिस्टेंसी आपको फिर से हम दिखा रहे हैं, इस तरीके से होने चाहिए। 1 टीस्पून हम साबुत ज़ीरा डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए फेंटेंगे अच्छे से। एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है, जिस डायरेक्शन से आप स्टार्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में आपको फेंटते रहना है 2 मिनट्स के लिए। तो 2 मिनट्स हो गए इसे फेंटते हुए। अब इसे चेक करते हैं कि ये आपके सॉफ्ट हैं या नहीं। वड़े जब सॉफ्ट बनने के ट्रिक्स होते हैं, पानी में आप इसे डाल कर देखें, अगर ये पानी के नीचे जाकर बैठ जाता है तो आपके वड़े हार्ड हैं, मतलब अच्छे नहीं बनेंगे। और अगर पानी में ऊपर आपके तैरने लगते हैं तो आपके वड़े 100% सॉफ्ट बनेंगे। इस ट्रिक से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वड़े ऊपर ही तैर रहे हैं पानी में, तो अब हमें इसे फेंटने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे कवर करके 1 आवर के लिए रख देंगे। तब तक हम मीठी दही बना लेंगे। तो मीठी दही बनाने के लिए हमने एक बाउल ली है, उसमें हम 3 बड़े चम्मच कर्ड डालेंगे। कर्ड हमने सर्विंग स्पून से लिए है। तो इसमें अब हम शुगर ऐड करेंगे, 1 सर्विंग स्पून शुगर डालेंगे इसमें। इसमें थोड़ा पानी डाल के और इसे फेंट लें, अच्छे से फेंटना है ताकि शुगर डिसॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून इमली की चटनी। इमली की चटनी हमने घर पे ही बनाई थी। अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो। अब हम चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये अभी थोड़ी थीक है, इसे और थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर दें। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए सेम इसी तरीके से हमें चाहिए, तो बस इसे अब एक साइड रखते हैं। तो चलते हैं अब हम वड़े को फ्राई करने। तो वड़े हम छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि तेल में फ्राई करते समय ये थोड़े फूल जाएंगे और फिर दही में भी फूलते हैं, तो छोटे छोटे बनाएं। और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो देखिए ये साइज़ में थोड़े बड़े हो गए हैं। अब हम इसे पलट लेंगे, बहुत ही केयरफुली इसे पलटें क्योंकि सॉफ्ट होने के कारण ये टूटने भी लगते हैं। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे तरफ से भी हमें सेम कलर से फ्राई करना है। सेम कलर आएंगे तो फिर हम निकाल लेंगे। तो वड़े अब फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। बाकी सारे वड़े भी हम सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो सारे वड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं,
अब हम इसे आपको एक तोड़ के दिखाते हैं कि कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये ना। अब हम गर्म पानी लेंगे, लगभग 2 ग्लास हमने गर्म पानी रखी है। इसमें हम डालेंगे हींग। हींग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें पानी में। और इसमें हम सारे वरे डालेंगे, जो भी हमने फ्राई करके रखी थी सारे वरे इसमें डाल देंगे। और इसे थोड़ा सा प्रेस करके कुछ सेकंड्स के लिए रखें, फिर सारे वरे निकाल के स्क्वीज़ कर लें सभी को। इससे आपके सारे वरे के पानी भी निकलेंगे और साथ ही साथ इसके तेल भी निकल जाएंगे, जो फ्राई में आ जाते हैं इसके अंदर, तो वो सारे तेल भी निकल जाएंगे। तो चलते हैं अब हम इसे सर्व करने। कोई भी सर्विंग बाउल ले लें और उसमें डाल करके जो दही हमने बना के रखी थी उसे ऊपर से डाल देंगे। फिर हम ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी। अब हम डालेंगे ग्रीन चटनी, हमने धनिया और पुदीने की चटनी बना के रखी थी वो भी डाल देंगे इसमें। अब हम 1 पिंच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे ऊपर से, और 1 पिंच दही वरा मसाला पाउडर डालेंगे। दही वरा मसाला पाउडर हमने शान की यूज़ की है, आप कोई और ब्रांड की भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास दही वरा मसाला पाउडर नहीं है तो आप ज़ीरे को भून करके उसे क्रश करके डाल दें, और थोड़ा उसमें आप चाट मसाला डाल दें। तो ये है हमारी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी आपको ये रेसिपी आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।